सद्ध संसार, सद्ध सार, दैत्य। दैत्य जो शब्द है पाली के अंदर वो बना है दंत से, आज की भाषा में, क्योंकि दैत्य के अंदर जो दो मात्राएं हैं वो पाली में नहीं होती, एक मात्रा पाली में होती है, जैसे वैर होता है दो मात्राओं वाला, उसको वेर बोलते हैं, ऐसे ये दैत्य शब्द नहीं है, ये दंत शब्द है, दो मात्राओं का शब्द पाली का नहीं होता, इसलिए दैत्य शब्द पाली का नहीं है। दंत का मतलब होता है जिसने अपनी बुराइयों का दमन कर लिया, दंत का मतलब यहाँ दमन होता है, दांत नहीं होता, जिसने अपनी बुराइयों का दमन कर लिया है उसको दंत बोलते हैं। इन्हीं लोगों को बाद में जब भाषा बदली तो दैत्य कहने लगे, और जब इनके गुण चले गए तो इनको दैत्य का निगेटिव वर्ड, इसी दैत्य से जो शब्द बना जो दैतवाल बोलते हैं, यानी जिन्होंने दमन किया है उनको दैतवाल बोलने लगे। दैतवाल आज भी आप नाम को समझ सकते हैं। और एक होता है आदित्य, यानी कि जिन्होंने दमन ना किया हो उनको आदित्य बोलते हैं। आदित्य का मतलब है जो दमन ना करके आए हों, यानी कि जो भिक्खु परंपरा से अलग हो वो आदित्य हो गए। तो दत्ते, दैत्य, दैतवाल, ये शब्द बिल्कुल साफ क्लियर है। तो दैत्य का मतलब होता है दंत, और दंत का मतलब होता है जो अपनी बुराइयों का दमन कर लेता है। इसलिए दैत्य शब्द बहुत पॉजिटिव शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, क्योंकि जितने भी भारत के मूल निवासी लोग और भारत के अच्छे लोग हैं, खासतौर से जो भिक्खु परंपरा में या जो समन परंपरा के अंदर हैं या जो बौद्ध परंपरा के अंदर हैं, उन्होंने अपनी बुराइयों का दमन कर लिया, उन्हीं को दैत्य बोलते हैं। सारे बौद्ध भिक्खु दैत्य हैं और भगवान बुद्ध सबसे बड़े दैत्य हैं। धन्यवाद।